हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू विजय सॉस एकेडमी। तो गाइस, आज के लेक्चर में हम देखेंगे अपने इकोनॉमिक्स का चैप्टर 3 का पार्ट 4, जिसके अंदर हम लोग ने ऑलरेडी थर्ड पार्ट में डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड खत्म कर दिया था। तो ये जो फोर्थ पार्ट है, ये आपके वीडियोस में सबसे काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है, क्योंकि ये जो लॉ ऑफ डिमांड है ऑलमोस्ट हर साल एग्जाम में पूछा जाता है। तो आपको इसमें कोई भी लाइक ऑप्शनल छोड़ने की तो बात ही नहीं बनती, आपको इस आंसर को अच्छी तरह से पढ़ना ही नहीं है, सिर्फ इसको लिखना भी है इस तरह से कि आप एक अच्छा आंसर लिख के मुझे दिखा सको, ताकि मैं आपको बोल सकूं कि आपको इस आंसर में 8 में से एटलीस्ट 7 तो मिलने चाहिए। 8 मार्क का क्वेश्चन पूछते हैं वो लोग, आपको एटलीस्ट 7 तो मिलना चाहिए। पेपर पैटर्न वगैरह, आंसर राइटिंग वगैरह, वो मैं लास्ट में करवा दूंगा। ऑलरेडी मैंने लास्ट ईयर किया था, आप वीडियो चेक कर सकते हो जाके। तो अभी के लिए बस आप पढ़ने पर ध्यान दो कि किस तरह से आप आंसर को अच्छी तरह से पढ़ सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं हमारा लॉ ऑफ डिमांड। लॉ मतलब होता क्या है? लॉ मतलब होता है कानून, कोई भी रूल्स रेगुलेशन। किस तरह का रूल्स, किस तरह का रेगुलेशन डिमांड के लिए ऑलरेडी बनाया गया है। डिमांड, डिमांड होता क्या है ऑलरेडी मैंने बता दिया, विलिंगनेस टू पे, जो भी मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था। तो कोई भी चीज़ हम डिमांड करते हैं, हमारे अंदर वो एबिलिटी होनी चाहिए, हमारे अंदर वो विलिंगनेस होनी चाहिए किसी भी चीज़ को बाय करने के लिए। उसके कुछ लॉ भी है, यानी उसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है जो हम लोग को ऑलरेडी पता है, मगर उस लॉ में हम क्लियरली जानेंगे उसके बारे में वो होता क्या है। हम लोग को ये बात पता है कि प्राइस के वजह से डिमांड चेंज होता है, प्राइस अगर बढ़ेगा तो डिमांड कम होगा, प्राइस अगर कम होगा तो डिमांड बढ़ेगा, ये हमें पता है। लेकिन हम इसमें देखेंगे कि किसने इस कॉन्सेप्ट को पहली बार लाया। तो 1890s की बात है, प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल नाम के आदमी ने एक बुक लिखी, उस बुक का नाम था प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। उसके अंदर उन्होंने पहली बार इस चीज़ का जिक्र किया था कि लॉ ऑफ डिमांड जैसी कोई चीज़ भी होती है, एंड देर इज़ अ फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। प्राइस और डिमांड के बीच में एक रिलेशनशिप है। तो उन्होंने इस लॉ के अंदर पूरा का पूरा वो रिलेशनशिप क्या है वो बताने की कोशिश किया है। तो हम देखेंगे उनका स्टेटमेंट, उन्होंने बोला क्या था, स्टेटमेंट ऑफ लॉ क्या है, स्टेटमेंट क्या होता है, उनके मुंह से निकली गई बात। तो आप क्या करोगे, ये जो बात निकली हुई है आप इसे सेम वैसे ही लिखोगे जैसे आपके बुक में लिखा है, इसको आप मन से नहीं लिख सकते। अगर कोई भी चीज़ डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आती है तो आपको वो सेम लिखना होता है। तो बुक के अंदर लिखिए, काफ़ी ईजी है, आराम से याद हो जाएगा, एक एक लाइन समझने की कोशिश करेंगे। अगर आपको चीज़ें समझ में आ गई तो आप उसको 2 से 3 बार पढ़ोगे और आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। पहले लाइन पढ़ते हैं उनका स्टेटमेंट ऑफ लॉ का जो अल्फ्रेड मार्शल ने दिया था। अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, कुछ चीज़ें तो सेम होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। वो कुछ चीज़ें क्या है, वो कुछ चीज़ें क्या है, हम लोग ने आज लेक्चर में पढ़ा था डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड, कि कुछ चीज़ें ऐसी थीं जो डिमांड को अफेक्ट कर रही थी। मगर अल्फ्रेड मार्शल जी क्या बोलते हैं, नहीं नहीं नहीं, अगर मैं सिर्फ प्राइस के लिए ये लॉ बना रहा हूँ तो बाकी की जो चीज़ें हैं वो कांस्टेंट रहनी चाहिए। बाकी की चीज़ें क्या है, इनकम सेम रहना चाहिए, पॉपुलेशन सेम रहना चाहिए, कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं होना चाहिए, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन नहीं होना चाहिए, जो भी डिटर्मिनेंट हमने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में वो सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। सिर्फ मुझे प्राइस की बात करो, वो सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अब आप मुझे बताओ, क्या ये पॉसिबल है? क्या कभी आपके घर की या फिर देश की पॉपुलेशन नहीं बढ़ेगी, ऐसा हो सकता है? वो तो चेंज होने वाली है। क्या आप कभी फ्यूचर एक्सपेक्टेशन प्राइस रखोगे कि नहीं रखोगे? वो तो आपकी होने वाली है। कुछ चीज़ें जो होंगी ही होंगी, जैसे आपका पॉपुलेशन बढ़ेगा, जैसे नेचर ऑफ प्रोडक्ट चेंज होगा, आपका टेस्ट हैबिट चेंज होगा, आपके हर एक गुड्स का सब्स्टिट्यूट तो अवेलेबल रहेगा, तो वो सारी चीज़ें तो चेंज होने से रही, वो सारी चीज़ें चेंज नहीं हो रही, ठीक है। लेकिन अल्फ्रेड मार्शल ने कहा अदर थिंग बीइंग कांस्टेंट, इसलिए उन्होंने इस लॉ के अंदर सबसे पहला लाइन ये लिख दिया, अदर थिंग बीइंग कांस्टेंट, जो भाई वो सारी जो चीज़ें हैं ना वो सेम होनी चाहिए, सिर्फ मैं प्राइस की बात कर रहा हूँ। फिर उन्होंने क्या बोला आगे, हायर द प्राइस ऑफ कमोडिटी, जो कमोडिटी का प्राइस है वो अगर हायर होगा तो स्मॉलर क्वांटिटी डिमांडेड, कम से कम आप डिमांड करोगे। लोअर द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, लार्जर इज द क्वांटिटी डिमांडेड, सिंपल बात है, ज़्यादा प्राइस होगा तो कम बाय करोगे, कम प्राइस होगा तो ज़्यादा बाय करोगे। उन्होंने अदर थिंग बीइंग कांस्टेंट पहले लिख दिया, उसके बाद अपनी प्राइस वाली बात लिखी। क्यों? क्योंकि अगर आप सिर्फ वो प्राइस वाली बात लिखते, अदर थिंग नहीं लिखते, तो आप बोलते नहीं नहीं सर ये तो चेंज होगा, प्राइस की वजह से नहीं, पॉपुलेशन की वजह से भी होगा। तो एक काम करते ना कि अदर थिंग बीइंग कांस्टेंट लिख देते, ताकि वो सारी चीज़ों को आप सेम मान के चलो और आगे बढ़ते रहो। तो आई थिंक आपको लॉ ऑफ स्टेटमेंट ऑफ लॉ अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आपको अगर कोई चीज़ ना समझे तो प्लीज़ वीडियो को रिपीट करके देख लेना,
वीडियो फास्ट लगे तो स्लो कर लेना, स्लो लगे तो फास्ट कर लेना, सारे ऑप्शन अवेलेबल है यूट्यूब के अंदर। अगर आप लोगों को उसमें कोई प्रॉब्लम है तो मैं उस पर अलग से लेक्चर लेके आ जाऊँगा किस तरह से आपको लेक्चर को देखना चाहिए। और अगर आप रिपीट पे देखते हो कॉन्सेप्ट फिर भी क्लियर नहीं होता है तो टेलीग्राम का डिस्कशन ग्रुप का लिंक ऑलरेडी अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन में, तो आप वो डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक पे क्लिक करके टेलीग्राम का डिस्कशन ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। उसके ऊपर आप जो भी क्वेरी करोगे आपको विद इन अ 5 मिनट आपको आंसर मिलेगा। तो आगे बढ़ते हैं। अगर दूसरे शब्दों में बोले, इन अदर वर्ड्स, अदर फैक्टर रिमेनिंग कॉन्स्टेंट, जो बाकी के फैक्टर कॉन्स्टेंट है, इफ अ प्राइस ऑफ अ कमोडिटी राइजेस डिमांड फॉल, व्हेन प्राइस राइजेस डिमांड फॉल, ये सारी चीजें हम लोग ने ऑलरेडी पढ़ लिया है, वही चीज वापस से जो मैंने एक्सप्लेन किया एक्सप्लेनेशन वापस लिखा है। जो एक अलग से कलर में लिखा है dx इज इक्वल टू fpx, वो क्या होता है? dx मतलब डिमांड ऑफ कमोडिटी, x को कमोडिटी मान लो, डिमांड को d मान लो, और इज इक्वल टू pf, क्या है f मतलब फंक्शन है और p मतलब प्राइस ऑफ कमोडिटी, x उसके भी साथ है तो प्राइस ऑफ कमोडिटी। क्या हो रहा है? जब डिमांड f मतलब फंक्शन होता है, यानी f के बाजू वाली चीजें चेंज होती है, प्राइस जब चेंज होगा तो वैसे डिमांड भी चेंज होगा। जैसे प्राइस को अगर p को मैं 2 मान लूं और f मैं 4 मान लूं, तो 4 2 8 तो डिमांड क्या हो जाएगा? 8। अगर f चेंज हो रहा है तो वहां डिमांड भी चेंज होगा, आप करके देख सकते हो उसको, डिमांड चेंज होगा। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आप अगर याद रख रहे हो चीजें, अगर आपको 90 प्लस स्कोर करना है तो सारी चीजें आपको आपने आंसर में मेंशन करनी पड़ेगी। लास्ट टाइम मेरे बच्चों के मार्क्स आए हैं उस तरह से, तो आप प्लीज ये सारी चीजों को फॉलो करके चलना। एक्स कमोडिटी, आगे देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, जो लॉ ऑफ डिमांड के साथ हमेशा चलता है, एक्सेप्शन ऑफ लॉ और अजम्पशन ऑफ लॉ। हर एक लॉ के अजम्पशन भी होते हैं, हर एक लॉ के एक्सेप्शन भी होते हैं। ये दोनों चीजें होती क्या है? अजम्पशन मतलब कुछ चीजें जो होनी चाहिए लॉ को पूरा करने के लिए, कुछ चीजें जो होनी चाहिए, प्लीज आप इसको लिख के ले लो, लॉ को पूरा करने के लिए कुछ चीजें जो होनी चाहिए उसे एक्सेप्शन कहा जाता है, लॉ को पूरा करने के लिए कुछ चीजें जो नहीं होनी चाहिए उसे एक्सेप्शन कहा जाता है। लिख के ले लो, गोल्डन लाइन है वो, आपको याद करने में समझने में काफी हेल्प करेगा, क्योंकि अजम्पशन के जब पॉइंट देखोगे ना वो डिटरमिनेंट से मैच खाएंगे। तो इसमें क्या होता है कि लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, इकोनॉमिक बहुत ही कंफ्यूजिंग है, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रखोगे तो सब मिक्सअप हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, एक एक करके अजम्पशन के पॉइंट याद रखते हैं और देखते हैं कि वो डिटरमिनेंट से अलग कैसे लिखा हुआ है उसके अंदर। सिर्फ इसके अंदर स्टेटमेंट और लाइन्स अलग हैं। पहला क्या है, कॉन्स्टेंट लेवल ऑफ इनकम। अजम्पशन में पहला क्या है, कॉन्स्टेंट लेवल ऑफ, ये लॉ को अगर पूरा करना है तो अल्फ्रेड मार्शल जी कहते हैं काम करो, आपका जो इनकम है वो कांस्टेंट रखो, कुछ चीज़ें जो होनी चाहिए इनकम कांस्टेंट होना चाहिए। ऐसा पॉसिबल तो नहीं है, ठीक है, लेकिन लॉ को पूरा करने के लिए हमें करना पड़ेगा। क्या बोला, इफ द लॉ ऑफ डिमांड इज फाइंड टू ट्रू ऑपरेट देन द कंज्यूमर इनकम शुड बी रिमेन कांस्टेंट। अगर लॉ को पूरी तरह से पूरा करना है तो कंज्यूमर का जो इनकम है वो पूरी तरह से कांस्टेंट होना चाहिए। सेकेंड उन्होंने क्या बोला, नो चेंज इन साइज ऑफ पॉपुलेशन। अरे पॉपुलेशन में कोई चेंज नहीं आना चाहिए, ऐसा पॉसिबल है? ऐसा पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन लॉ को पूरा करने के लिए उन्होंने कहा है कि पॉपुलेशन के साइज में कोई भी चेंजेस नहीं आने चाहिए, तो हमें ये चीज करना पड़ेगा। तो पॉपुलेशन शुड रिमेन अनचेंज, एनी चेंजेस इन साइज एंड कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री अफेक्ट द टोटल डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट। अगर कोई भी चेंजेस आता है पॉपुलेशन के अंदर तो हमारे डिमांड को वो अफेक्ट करेगा, तो हमारे लॉ को वो खराब कर देगा। तो एक काम करते हैं, पॉपुलेशन का साइन जो साइज है वो सेम होना चाहिए। थर्ड क्या है, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट रिमेन कांस्टेंट। प्राइस क्या है, सब्स्टिट्यूट का प्राइस क्या है, सब्स्टिट्यूट मतलब ऑलरेडी मैंने बता दिया टी एंड कॉफी। ऐसा उनका मानना है कि जो अगर टी 5 रुपए की मिल रही है, कॉफी 7 रुपए की मिल रही है, तो जिंदगी भर इसका प्राइस सेम रहे, यानी वो बढ़े या कम ना हो, मतलब प्राइस जो है सब्स्टिट्यूट का वो सेम होना चाहिए। ऐसा देखो पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन लॉ को पूरा करने के लिए करना जरूरी है सब्स्टिट्यूट। आगे है फोर्थ पॉइंट, जो है प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स रिमेन कांस्टेंट। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के बारे में ऑलरेडी मैंने बता दिया है, उनका मानना है कि वो भी सेम रहना चाहिए, पेट्रोल के भाव कभी बढ़ने नहीं चाहिए, लेकिन ऐसा तो हो नहीं रहा है देश में, तो जो पेट्रोल के भाव है वो ऑलरेडी बढ़ते चले जा रहे हैं, तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का जो प्राइस है वो भी आपका सेम होना चाहिए। फिफ्थ पॉइंट क्या है, नो एक्सपेक्टेशन अबाउट द फ्यूचर चेंज इन प्राइस। ऐसा मानना है कि जो फ्यूचर में जो प्राइस में चेंजेस आ रहे हैं वो नहीं होना चाहिए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। हर साल जब भी दिवाली फेस्टिवल पे हमारे फैमिलीज के दिमाग में एक ही चीज़ आती है कि दिवाली के समय कपड़ों के भाव बढ़ जाएंगे, तो एक काम करते हम लोग आज ही ज़्यादा कपड़े खरीद के रख लेते,
तो ये फ्यूचर एक्सपेक्टेशन वाली चीज़ें दिमाग से जाएंगी नहीं, लेकिन लॉ को पूरा करने के लिए हमारे दिमाग में किसी भी तरह का फ्यूचर एक्सपेक्टेशन नहीं होना चाहिए, ऐसा एक्सेप्शन अजम्पशन में कहा गया है। नो चेंज इन टेस्ट एंड हैबिट एंड प्रेफरेंस, सिक्स पॉइंट क्या है, नो चेंज इन टेस्ट हैबिट एंड प्रेफरेंस, मतलब आपका ऐसा कहते हैं अल्फ्रेड मार्शल जी कि हमारे लॉ को पूरा करने के लिए आपके टेस्ट में कोई चेंज आना नहीं चाहिए, आपके हैबिट में कोई चेंज आना नहीं चाहिए, आपके प्रेफरेंस और फैशन में कोई चेंज नहीं आना चाहिए। देखो भाई ऐसा पॉसिबल नहीं है, लेकिन उनका क्या मानना है कि लॉ को पूरा करने के लिए आप इसके अंदर किसी भी तरह का चेंज नहीं कर सकते। इट इज अज्यूम दैट कंज्यूमर टेस्ट हैबिट प्रेफरेंस फैशन एक्सेट्रा शुड रिमेन अनचेंज, उनका मानना है कि ये सब चीज अनचेंज होनी चाहिए। एनी चेंज इन दिस फैक्टर विल लीड टू अ चेंज इन डिमांड, ये जो है इसमें चेंज होने की वजह से डिमांड में चेंज तो हो जाएगा, तो ये भाई ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। सेवेंथ क्या है, नो चेंज इन टैक्सेशन पॉलिसी, भारत सरकार को कहते हैं किसी भी तरह का टैक्सेशन पॉलिसी में चेंज नहीं आना चाहिए, तो ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। अगर कोई भी कंट्री है, कोई भी देश है, तो उसके अंदर वहाँ की सरकार टैक्सेशन पॉलिसी में चेंज लाएगी, यानी टैक्स कभी बढ़ता है कभी घटता है, लेकिन लॉ को पूरा करने के लिए ये चेंजेस नहीं आने चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग ने पढ़ा है कि अगर टैक्सेशन पॉलिसी में चेंज आएगा तो डिमांड कम ज़्यादा होगा। हम मैंने ऑलरेडी डिमांड में ये एक्सप्लेन, डिटरमिनेंट ऑफ डिमांड में ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, तो आप उस चीज़ को अच्छी तरह से अगर समझ लेते हो तो आपको ये समझने में काफ़ी आसानी होगी। इसके पहले वाले लेक्चर में डिटरमिनेंट ऑफ डिमांड किया था। तो ये कुछ थे अजम्पशन सेवन, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो लोग डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछते हैं व्हाट आर द अजम्पशन ऑफ डिमांड। तो प्लीज़ ये पूरे के पूरे सेवन पॉइंट अच्छी तरह से दिमाग में रख लेना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हर साल ये पूछा जाता है। आपको कोई भी कॉन्सेप्ट न समझाओ इकोनॉमिक्स में, फिर से बता रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का डिस्कशन ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, प्लीज़ उस लिंक पे क्लिक करके डिस्कशन ग्रुप ज्वाइन करना, जो भी क्वेरी हो आप पूछ सकते हो, आपको तुरंत रिप्लाई मिलेगा पूरे हिंदी एक्सप्लेनेशन के साथ, इंग्लिश एक्सप्लेनेशन के साथ, जैसा आपको चाहिए वैसा मिल जाएगा। तो इस लेक्चर में हम लोग अजम्पशन तक ही रखते हैं, और अगले लेक्चर में मैं आपको डायग्राम, जो शेड्यूल डायग्राम जो ऑलरेडी मैंने बता दिया, डिमांड शेड्यूल मतलब टेबुलर फॉर्म, डिमांड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मतलब डायग्राम, तो ये जो दोनों चीज़ें हैं ये मैं आपको खुद से ड्रॉ करके वीडियोज़ में दिखाऊँगा कि किस तरह से आपको डिमांड का जो कर्व है वो ड्रॉ करना है, कौन कौन से नंबर्स उसके अंदर लिखने हैं और वो ड्रॉ कैसे होता है, और उसके बाद हम देखेंगे एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। तो अभी के लेक्चर में बस इतना ही, मिलते अगले लेक्चर में। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। बी सेफ, बी एट होम।